Dawn Express. I'm now Sashka. नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आशा है आप सब सुखी और स्वस्थ होंगे। राम मंदिर के भूमि पूजन की शुभ मुहूर्त का ऐलान कर दिया गया है। शनिवार को श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में भूमि पूजन के लिए 3 और 5 अगस्त की तारीख तय करके पीएम को भेजी गई थी। पीएम ने 5 अगस्त की तारीख फाइनल की है, यानी 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक भूमि पूजन कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। आने वाले 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद 3 या 5 अगस्त की तारीख तय की गई थी, जिस पर पीएम ने 5 अगस्त की तारीख पर मुहर लगाई है। खबरों के मुताबिक पीएम मोदी के हाथों भूमि पूजन होना है, इसलिए लगभग 40 किलो वजन की एक चांदी की ईंट तैयार कराई गई है, जिससे नींव में रखा जाता है। 5 अगस्त की तारीख को लेकर कई अटकलें भी लगाई जाने लगी है। दरअसल बीते साल 5 अगस्त को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने की ऐलान किया था। इसी तारीख को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश भी घोषित किया गया था। यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक हुआ तो देश के इतिहास में 5 अगस्त की तारीख बीजेपी और खासकर आरएसएस के लिए ऐतिहासिक बन जाएगा। 5 अगस्त को धारा 370 हटाना और एक साल बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू होना का लाभ बीजेपी को भविष्य में मिलेगा। राम मंदिर के भूमि पूजन का तारीख तय करने के अलावा और भी कई फैसले किए गए हैं। प्रस्तावित राम मंदिर में 3 की जगह 5 गम्बुद बनाने की फैसला किया गया है। शनिवार को अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक में इसको लेकर अहम फैसला हुए है। वहीं मंदिर की कुल की ऊंचाई बढ़ाए जाने की प्रस्ताव है। जानकारी के मुताबिक पहले राम मंदिर के नक्शों के हिसाब में मंदिर की ऊंचाई पहले 128 फीट प्रस्तावित था, लेकिन अब मंदिर की ऊंचाई बढ़ाई जा सकती है। गुंबद और ऊंचाई के अलावा मंदिर के मुख्य परिसर का क्षेत्रफल भी बढ़ाया गया है। राम मंदिर के लिए गठित कमेटी ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है। मंदिर का संशोधित नक्शा भी बहुत जल्द तैयार कर लिया जाएगा। पहले के नक्शे के अनुसार नगर 16 के इस मंदिर परिसर क्षेत्र का दायरा करीब 67 एकड़ में रखा गया था, जिसे नए डिजाइन और ऊंचाई की आवश्यकता के अनुसार 100 से 120 एकड़ में विस्तारित किया जा सकता है। मंदिर की रूपरेखा तैयार होने के 15 दिन के भीतर नए डिजाइन के अनुसार मास्टर प्लान तैयार हो सकता है। इससे पहले प्रस्तावित मॉडल के मुताबिक 2.75 लाख घनमीटर भूभाग पर राम मंदिर का निर्माण तय था। पूर्व में मंदिर को 2 मंजिल का बनाना तय हुआ था। इस मंदिर की लंबाई 270 फुट, चौड़ाई 140 फुट और ऊंचाई 128 फुट रखी गई है। मंदिर में 370 बीम और दोनों मंजिल पर 106 यानी कुल 212 खम्भों वाले मंदिर में 5 दरवाजे की डिजाइन बनाई गई थी। हालांकि 3 मंजिल मंदिर बनाए जाने से सभी भागों में वृद्धि होगी। राम मंदिर में मुख्य द्वार का निर्माण मरकना से सफेद संगमरमर से किया जाएगा। गर्भगृह की ठीक ऊपर 16.3 फीट का प्रकोष्ठ बनाया जाएगा, जिस पर 65.3 फुट ऊंचे शिखर का निर्माण होगा। मंदिर में सीता की रसोई के स्थान पर मां सीता की मंदिर का निर्माण किया जाएगा। मंदिर के लिए अभी तक 80,000 घन फुट पत्थर तरसा जा चुका है और अभी इतना ही और पत्थर तरसा जाएगा। मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को होने वाली भूमि पूजन में प्रयागराज से कोई संत नहीं शामिल हो सकेंगे। इसका कारण चतुर्मास है। चतुर्मास के कारण श्रीराम मंदिर निर्माण के द्वारा श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य जगतगुरु स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती भी नहीं शामिल होंगे। उनके अलावा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का प्रतिनिधिमंडल भी भूमि पूजन में शामिल नहीं होगा। वही अगली खबर, कोरोना संकट के दौरान उत्पन्न हुए विकट समस्या को लेकर किए गए एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि 1 अप्रैल से लेकर 15 मई तक के बीच 24 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 55% परिवार दिन में मजह 2 वक्त का खाना ही जुटा पाए हैं। देश में 5,568 परिवार पर किए गए अध्ययन में ये बात सामने आई है। सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन की सबसे अधिक मार दिहाड़ी मजदूर पर पड़ी। इसके कारण छीनी आजीविका ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गई है।
वही अगली खबर अपनी बिस्तरवादी आक्रामक नीति के चलते भारत को उससे पड़ोसी देश द्वारा घेरने की चीनी चाल उल्टे ड्रैगन के ही गले की हड्डी बन गई है। पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट के रास्ते भारत को घेरने की ख्वाब पाल रही चीन को जबरदस्त झटका लगा है। वजह यह है कि चीन पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर में पहले ही आर्गो डॉलर लगा चुके ड्रैगन की चिंताएं प्रोजेक्ट की सुरक्षा बढ़ती लागत ने बढ़ा दी है। कोरोना वायरस के कारण परियोजना का काम एक तरह जहां बहुत धीमी गति से बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान में उग्रवादियों की हमले भी तेज हो गई है, तो इसके कारण चीन को बहुत ज्यादा नुकसान हो रही है। वही अगली खबर, मध्य प्रदेश के सीनियर अफसर वी मधु कुमार का रिश्वत वाला वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर मधु कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें तमाम पुलिसकर्मियों लिफाफा दे रही है। हालांकि पंजाब केसरी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हो कि साहब सोफे पर शान के साथ बैठे हैं, एक के बाद एक अर्दली आ रही है, साहब के चरण स्पर्श कर रही है और आशीर्वाद की एवज दिया जा रहा है एक लिफाफा। लिफाफे के भीतर क्या है, आखिर इस आशीर्वाद के लिए क्या कुछ खर्च किया जा रहा है, उसके बारे में ना हमें पता है और शायद ना किसी और को। वही अगली खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय मूल की वकील सू घोष ट्रिकलेट को यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की एशिया ब्यूरो की प्रमुख बनाने पर विचार कर रहे हैं। अगर ट्रिकलेट के नाम पर सहमति बन जाती है तो वह यूएसआईडी एशिया ब्यूरो की स्वायत्त प्रशासक बनेगी। व्हाइट हाउस ने कहा स्ट्रिकलेट को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून व विदेश मामलों में वकालता का 25 साल का अनुभव है। वह कई भारतीय अमेरिकी पैरवी संगठनों में और राष्ट्रपति चुनाव में 3 प्रचार अभियान में एशिया नीति सहायक के तौर पर सेवाएं दे चुकी है। ट्रिकलेट न्यूयॉर्क में क्वींस की रहने वाली है और स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से ग्रेजुएट है। खबर, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। भारत सरकार की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT की ओर से एक पब्लिक वार्निंग दी जा रही है जो ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान हो रही फ्रॉड से जुड़े है। हेल्थ, स्पोर्ट्स और ई कॉमर्स वेबसाइट पर क्रेडिट कार्ड स्कैमिंग कैंपेन चलाया जा रहा है जिसका मकसद आपको निशाना बनाना और अकाउंट खाली करना है। वहीं अगली खबर, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामले के बीच राज्य में प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की। राज्यों के मुख्य सचिव अलफन बंदोपाध्याय ने कहा पूरे पश्चिम बंगाल में इस सप्ताह बृहस्पतिवार और शनिवार का संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,278 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमण लोगों की कुल संख्या बढ़कर 42,487 हो गई। राज्य स्वास्थ्य विभाग के ताजा बुलेटिन के मुताबिक राज्य में इस घातक वायरस के कारण 36 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 1112 तक पहुंच गई। वही अगली खबर, भारत विरोधी टिप्पणियां वो राम जन्मभूमि अयोध्या को लेकर आधारहीन बयान देने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ नेपाल में भी लोग सड़कें पर उतर आए हैं। नेपाल के जनकपुर में हिंदू संगठनों की लोगों ने सड़क पर उतर के ओली के खिलाफ विदेश प्रदर्शन कर जमकर भड़ास निकल। नेपाल विश्व हिंदू परिषद की जनसभा में ओली की गलत बयानबाजी की निंदा की गई। वही अगली और ताजा खबर, एम्स की आचार समिति ने कोविड-19 की स्वदेश विकसित टीके कोवैक्सीन के मानव परीक्षण की शनिवार को अनुमति दे दी है। अब इसके लिए एम्स परीक्षण में स्वेच्छा से शामिल होने के इच्छुक स्वास्थ्य लोगों को सोमवार से ही पंजीयन शुरू करेगा। कोवैक्सीन के मानव पर पहले और दूसरे चरण के परीक्षण के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने दिल्ली स्थित एम्स समेत 12 संस्था को चयन किया है। पहले चरण में टीके का 375 लोगों पर परीक्षण किया जाएगा जिनमें से अधिकतम 100 लोग एम्स से ही हो सकती है। एम्स ने सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन में प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय ने बताया एम्स की आचार समिति ने कोवैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू करने की आज मंजूरी दे दी है। साभार, डेली हंट, डेली होम, धन्यवाद, द डॉन एक्सप्रेस।